इसे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से स्वामी अंतर संतोष ने पूछा है। संतत्व क्या है? जीवित संतों की निंदा क्यों होती है? संतत्व को जानने के पहले आओ जानते हैं संसारी कौन है। संसारी होने की 5 पहचान है। मैं संसारी भी बता दे रहा हूँ, संतत्व क्या है उसको भी बताऊँगा, साधक कौन है इसको भी बताऊँगा, कि तुम भी इस कसौटी पर कस लो कि अभी तुम कहाँ खड़े हो, संसारी हो अथवा साधक हो अथवा संत हो। संसारी की 5 पहचान है मुख्य रूप से। पहला, उसका जीवन संसार केंद्रित है, संसार की चर्चा करेगा, संसार में रमण करेगा, उसकी सारी बातचीत का केंद्र संसार होगा। दूसरी पहचान, विषय केंद्रित होगा, वो उसकी चर्चा हमेशा विषयों के बारे में होगी, सुविधाओं के बारे में होगी, धन पद सत्ता इसके बारे में वो हमेशा चर्चा करता है। तीसरी पहचान, शिकायत केंद्रित, वो देखोगे हमेशा शिकायत में रहेगा, कुछ न कुछ शिकायत, और शिकायत का संबंध जो उसके पास नहीं है वो उसकी चर्चा करेगा। तो शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत, पर निंदा पर चर्चा, ये उसके जीवन का केंद्र होगा। दूसरे की निंदा करेगा, दूसरे के बारे में उसमें क्या कमी है उसकी चर्चा करेगा। चौथी पहचान, वो फल केंद्रित हो गया होगा, वो अपने अचीवमेंट जो उसको मिला, अब मान लो प्रमोशन मिला तो प्रमोशन की चर्चा करेगा, और उसको प्रमोशन नहीं मिला तो उसकी चर्चा करेगा। तो वो हमेशा बात करेगा, वो कर्म की चर्चा नहीं करेगा, उसको क्या करना है, कैसे करना है, कर्म को कैसे गति दी जाए इसकी वो चर्चा नहीं करेगा। वो हमेशा फल पाना है कि ये फल पाना है, वो फल पाना है, बस उसकी पूरी चर्चा सिमट करके रह जाती है फल प्राप्ति पर। और पांचवी पहचान है कि वासना केंद्रित होगा, वो लस्ट उसमें तुम पाओगे, वो हमेशा वासना के बारे में ही बात करेगा, किस वासना की पूर्ति करनी है आज ये और वासना तो अनंत है, धन की वासना, पद की वासना, शक्ति की वासना, काम की वासना, वासना अनंत है, तो इसकी चर्चा हमेशा करेगा और उसी में उसका चित्त रमण करता है। तो एक छोर पर संसारी है, दूसरे छोर पर संत है, मध्य में साधक है। तो पहले संसारी से साधक बनना पड़ता है, फिर साधक से संत बनना पड़ता है। तो साधक कौन है, 4 मुख्य पहचान हम बताना चाहेंगे। पहली पहचान, गुरु केंद्रित उसका जीवन होगा, उससे बात करोगे तो टेक उसका गुरु चर्चा होगा, इधर उधर की बातें करेगा, ऐसा नहीं कि साधक संसार की चर्चा नहीं करेगा, लेकिन घूम फिर करके वो गुरु की चर्चा करेगा, संत की चर्चा करेगा, अध्यात्म की चर्चा करेगा, परमात्मा की चर्चा करेगा, आत्मा की चर्चा करेगा, सत्संग की चर्चा करेगा, तो घूम फिर करके वो अपने गुरु पर आ जाएगा। दूसरी पहचान, आत्मा केंद्रित, वो आत्मरमण में रहता है, ध्यान में रहता है, और घूम फिर करके वो आत्म केंद्रित बातें भी करेगा। उसकी पूरा दिनचर्या देखोगे तो उसका आत्म केंद्रित वो साक्षी रहेगा, साक्षी की साधना करेगा, ध्यान की साधना करेगा, और आत्मा की तरफ उसका रुख होगा। तीसरी पहचान, वो गोविंद की चर्चा करेगा, परमात्मा की चर्चा करेगा, कैसे विभिन्न संतों की चर्चा करेगा कि वे क्या कहते हैं, आत्मा के बारे में क्या कहते हैं, गोविंद के बारे में क्या कहते हैं। तो बार बार देखोगे घूमे संसार की भी बात करेगा, तो अंत में कहीं ना कहीं वो फिर परमात्मा की चर्चा करेगा, गोविंद की चर्चा करेगा। और चौथी मुख्य पहचान, वो अहोभाव में रहेगा,
बहुत थोड़ी 10% शिकायत और 90% अहोभाव में, ग्रैटिट्यूड में रहेगा। जो उसका मिला उसके प्रति धन्यवाद भाव से वो भरा रहेगा। है पर उसकी नज़र ज़्यादा होगी, ज़्यादातर नहीं है पर बहुत कम उसकी नज़र होगी। वो अपने ब्लेसिंग्स को देखेगा, जो अभाव है उसको बहुत ही कम उसकी चर्चा करेगा, उसकी बातें करेगा, उसका ध्यान देगा। जो उसके पास है उसके लिए अपनी धन्यता की अभिव्यक्ति देता रहेगा। तो ये मुख्य रूप से साधक की ये चार पहचान है। तो अब आओ जानते हैं फिर संत कौन है। संत की मुख्य रूप से सात पहचान मैं बताता हूँ, इससे समझ पाओगे कि वास्तव में संत कौन है। तो अब साधक के भी कुछ गुण संत में अधिकतर गुण होंगे जो साधक के पास है, लेकिन गुण की तीव्रता ज़्यादा होगी, अधिकता ज़्यादा होगी। जैसे पहला गुण जो संत का है वो है अहोभाव केंद्रित, हमेशा ग्रैटिट्यूड में देखोगे। उसके लिए किसी ने थोड़ा सा किया उसको वो याद रखेगा, और जिसने उसका नुकसान भी पहुंचाया तो ज़्यादातर उसके कंट्रीब्यूशन को, उसकी जो उसका किया हुआ है उसको याद रखेगा, उसकी बातें करेगा। अहोभाव ग्रैटिट्यूड, संसार के प्रति भी ग्रैटिट्यूड, परमात्मा के प्रति भी ग्रैटिट्यूड, गुरु के प्रति भी ग्रैटिट्यूड। दूसरी पहचान, वो कर्म केंद्रित होता है, वो इस पर ज़्यादा ध्यान देता है कि हमें क्या करना है। फल पर उतना ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं कि कोई फल उसको मिला, अनुकूल फल मिला कि प्रतिकूल फल मिला, वो उसमें ज़्यादा रमण नहीं करता। असल वो हमेशा इस बात पर कि अब वर्तमान परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, कौन सा कर्म कैसे करना है हमें, तो क्या पुरुषार्थ हमें करना है, इस पर ज़्यादा तुम देखोगे वो ध्यान देता है। जो तीसरी पहचान, वो परोपकार केंद्रित होगा, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करेगा, यही उसके जीवन की कसौटी होगी। ऐसे निर्णय लेगा जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, परोपकार हो, और दूसरे का भला कैसे करें, दूसरे का अधिक से अधिक लोगों का मंगल कैसे करें, इस बात पर वो ज़्यादा ध्यान देगा। और परोपकार के लिए जैसा मैंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो नाना प्रकार के कर्म शुरू करता है। और फिर चौथी पहचान, वो सुमिरन केंद्रित रहेगा, कोई भी कार्य करेगा हमेशा देखोगे परमात्मा की याद में रहेगा, आत्मा की याद में रहेगा, नाद के श्रवण में रहेगा। तो हमेशा देखोगे कि वो सुमिरन में सुमिरन का आनंद लेता रहेगा, और हमेशा सबटल रूप में वो बातचीत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन सुमिरन एक धागे की तरह, अनवरत धागे की तरह देखोगे कि वो सुमिरन में विद्यमान रहता है। और फिर पांचवी पहचान है, वो आनंद केंद्रित उसका जीवन है, हमेशा सद्य स्नात तुमको दिखेगा, जब भी मिलोगे एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर, एक प्रफुल्लता उसके चेहरे पर पाओगे, हमेशा भीतर से आनंदित रहे, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, आत्मानंद से जुड़ा हुआ है। तो हमेशा एक पुलक पाओगे, एक प्रसन्नता पाओगे, एक मुस्कुराहट पाओगे, वो अपने आनंद से हमेशा भरा और तृप्त रहता है। और छठी पहचान है उत्सव केंद्रित, वो देखोगे कि हमेशा उत्सव का आयोजन करेगा, उसके इर्द गिर्द एक उत्सव पाओगे। ओशो कहते हैं कि संत की एक पहचान है कि उसके आसपास हमेशा उत्सव चलता है, जैसे जहाँ संत विद्यमान है, कुटिया में हो कि आश्रम में हो कि कहीं पर हो, एक उत्सव चलता रहेगा। बाद में जीवित संत विदा हो जाता है और फिर तुम देखोगे कि वो उत्सव नहीं रहता, परंपरा चलती रहती है, उत्सव नहीं रहता। उत्सव फिर कब पैदा होता है, फिर जीवित संत उस परंपरा में आ जाता है। तो उत्सव केंद्रित ये एक संत की मुख्य पहचान है, जहाँ रहेगा एक हल्का फुल्का वातावरण, एक उत्सवमय वातावरण तुम वहाँ पर पाओगे। और सातवीं पहचान जो तुम्हारे मुख्य प्रश्न के लिए जिम्मेवार है, और वह है वो सांसारिक और आत्मिक समृद्धि में एक संतुलन पाओगे, उसको आत्मिक रूप से भी समृद्ध होगा और सांसारिक रूप से भी समृद्ध होगा। तो
तो उसमें लेकिन एक संतुलन, ऐसा नहीं कि केवल सांसारिक समृद्धि की दिशा में वो काम करेगा, ऐसा नहीं कि केवल आत्मिक समृद्धि की दिशा में वो रत रहेगा, एक संतुलन उसके जीवन में पाओगे जिसको ओशो कहते हैं जोरबा द बुद्धा। जोरबा सांसारिक समृद्धि का प्रतीक है और बुद्धा आत्मिक समृद्धि का प्रतीक है। अब तुम्हारे मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि फिर जीवित संतों की निंदा क्यों होती है, इसके कुछ कारण हैं और कुछ निश्चित रूप से वैलिड कारण है जिसके लिए संतों की निंदा होती है। जो पहला कारण है कि संत हमेशा लीक से हट करके जीता है। कबीर साहब कहते हैं कि लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ तीनी नहीं चले सायर सिंह सपूत। लेकिन उसमें एक और नाम होना चाहिए कि जो संत है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। ऑर्डिनरी लोग भेड़ चाल चलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग लीक से हट करके चलते हैं। तो लीक से हट करके चलता है और सारी दुनिया 99% लोग लीक पर चलते हैं। तो निश्चित रूप से जब लीक से हट करके चलोगे, सारी जो दुनिया कर रही है उसके अलग थलग कुछ बातें करोगे, कुछ विचार अलग थलग रखोगे, अलग थलग जीवन की शैली रखोगे, तो निश्चित रूप से निंदा होगी। कबीर साहब खुद कहते हैं कि पहले मैं लोगों की मान करके चलता था, मंदिर मस्जिद जाता था तो लोग मेरी तारीफ़ करते थे, और लेकिन मेरा मन ना पतीजे, लोग पतीजे पर मन ना पतीजे, लोग तो मुझसे राजी थे, लोग राजी करते थे कबीर बड़ा भगत है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, लेकिन मन ना पतीजे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमने सत्य को जान लिया, अब क्या कहते हैं, अब मन तो मेरा राजी है लेकिन अब लोक ना पतीजे, मन तो पतीजे अब लोक ना पतीजे। अब क्योंकि मैं लीक से हट करके चल पड़ा तो अब दुनिया मुझसे राजी नहीं है, दुनिया मुझसे निंदा करती है। तो ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो जीवन जीता है, वो लोगों की मान करके नहीं चलता है, परंपराओं की मान करके नहीं चलता, जो लोक रीति रिवाज है उसको मान करके नहीं चलता, वो अपने भीतर की सुनता है, अपने विवेक की सुनता है, अपनी प्रज्ञा की सुनता है और अपनी प्रज्ञा से गाइडेड होता है। तो निश्चित रूप से इसलिए वो लोक निंदा का शिकार हो जाता है। जो दूसरी बात है जिसके कारण उसकी निंदा होती है कि अक्सर संतों को देखोगे कि वो संसार को निस्सार बोलते हैं। मलुकदास कहते हैं कण थोड़े काकड़ घने, थोड़े से कण है इस संसार में, याद रखना, ज़्यादातर तो कंकड़ ही कंकड़ है, ज़्यादातर तो निस्सार ही निस्सार। अब जिस संसार को सारी दुनिया इतना महत्वपूर्ण मानती है, इतना तवज्जो देती है, अगर कहोगे कि ये संसार में रखा क्या है, संसार कबाड़ है, अब तुम्हारी बातें सुनकर के जिनको संसार में रस है उनके अहंकार को तो बड़ी चोट लगती है कि भाई संसार को आप निस्सार कैसे कहते हैं, और संसार मतलब क्या, ये संबंधों का जाल, संबंधों का जाल। अब सारी दुनिया तो संबंधों में लिपटी हुई है, सारी दुनिया की चर्चा का मुख्य विषय तो उनके संबंध है, अब उनके संबंधों में, संबंधों को तुम निस्सार कर रहे हो, निरर्थक कह रहे हो, तो निश्चित रूप से उनको तो चोट लगती है, उनकी मान्यता को चोट लगती है। तो ये भी संतों की निंदा का कारण है। तीसरा, उनकी समृद्धि, उनकी आत्मिक समृद्धि, उनकी सांसारिक समृद्धि, जहाँ संत रहेगा विष्णु की उस पर कृपा होती है, क्योंकि विष्णु ही धार्मिकता के देव हैं, तो और उनकी शक्ति लक्ष्मी की है, तो देखोगे कि संत के पास समृद्धि भी रहती है। तो लोग फिर ईर्ष्या करते हैं, उसकी महानता से ईर्ष्या करते हैं, खास करके जो तमोगुणी लोग हैं। तमोगुणी का मतलब तुम गलत हो, बाकी सारी दुनिया गलत है, और तुम महान नहीं हो, हम सिद्ध कर देंगे कि तुम कैसे महान नहीं हो। ये जितने पत्रकार देखते हो करीब करीब, वो इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिसको हम बी ग्रुप की पर्सनालिटी कहते हैं। तो सिद्ध करते हैं, जितने पत्रकार देखते हो, टीवी चैनल्स वाले देखते हो, कहीं भी संत का तिल भर की कोई खबर आ जाए तो ताड़ कर देते हैं, वो सिद्ध करने में लग जाते हैं कि ये जितना महान अपने आप को कहते थे, अब हम बताते हैं कि कैसे महान ये नहीं है, और सारी दुनिया उनकी निंदा में लग जाती, क्योंकि उनको अहंकार को पोषण मिलता है कि चलो हम ही बुरे नहीं हैं, जो
तथाकथित संत हैं जिसको तुम महान समझते हो, वो भी बुरे लोग हैं, तो बड़ा उनको रस लगता है कि उनकी समृद्धि से उनको बड़ी चोट लगती है। और जो पांचवी जो पांचवा जो कारण है वो है कि लोगों की मान्यताओं पर वो बड़ी चोट वो करना नहीं चाहता है, लेकिन लोगों वो अपने अनुभव की जब बात करेगा, आत्मानुभव से वो बात करेगा, तो लोगों की मान्यताओं के बहुत बार खिलाफ चला जाता है और इससे उनको चोट लगती है, इससे वो संत की निंदा करते हैं। अब देखो कबीर साहब को, अब सारी दुनिया पत्थर पूजती है, मुसलमान काबा में पत्थर पूज रहे हैं, हिंदू काशी में पत्थर पूज रहे हैं, पूज तो पत्थर रहे हैं। अब कबीर साहब कहते हैं क्या है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार। क्यों पत्थर पूज रहे हो, अगर पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिलता तो हम तो पहाड़ ही पूजे, उससे तो अच्छी ये चक्की है ना, कम से कम गेहूँ पीसते के तो काम आती। अब ऐसी बातें जब कहेंगे तब तो अब कबीर की तारीफ तो नहीं होगी, लोग तो निंदा करेंगे, और संत कहीं ना कहीं सच्ची बात तो कहता ही है, और सच कभी कभी कड़वा होता है और लोग सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सब मुख्य बातें हैं जिसके चलते संतों की निंदा होती है।